हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जी के प्रयास से आज पटना के विभिन्न इलाकों में कौमी इत्तेहाद मोर्चा की ओर से 460 घरों तक राशन पहुंचाया गया। बलियावी जी ने इस महामारी में सेवा में लगे हुए स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के ऊपर हमले की निंदा की है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की है वह सम्मान इन सब का सहयोग करें और शासन के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। उन सारे लोगों से जिनको किसी तरह की कोई तकलीफ, खांसी या सांस लेने में दिक्कत या शिद्दत की बुखार का एहसास हो, तुरंत जांच कराने के लिए खुद आगे बढ़ें, सहयोग करें, मेडिकल टीम का सहयोग करें। जहां कहीं से भी किसी तरह की कोई घटना की खबर आती है कि मेडिकल टीम के साथ लोगों के अच्छे सलूक नहीं रहे, उससे पूरा समाज, पूरा समुदाय शर्मसार होता है। इससे बचने की सख्त जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा प्रशासन का, शासन का, मेडिकल टीम का सहयोग किया जाए ताकि इस बीमारी को हम जहां दिख गई वहीं दफन कर दें, ताकि ये हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में, हमारे किसी भी भारतीय नागरिक को ये कोरोना वायरस क्षति न पहुंचा सके। इस संदर्भ में हम नर्म निवेदन, विनती, इल्तिजा, अपील करते हैं कि सारे भाई एक दूसरे का सहयोग करें। अगर यदि हमारे लोग तत्परता के साथ खड़े हो जाए तो किसी के पड़ोस में कोई भूखा भी नहीं रह पाएगा। हर व्यक्ति अपने पास पड़ोस के लोगों के चूल्हे के धुआं का एहसास करके सहयोग करने के लिए आगे बढ़े, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, मेडिकल टीम का सहयोग करें, सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन आ रही है उसका पूरा पालन करें, तभी हम अपने देश और अपने देशवासियों की सुरक्षा कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश जबलपुर में प्यारे पहलवान एवं उनकी टीम के द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस और आसपास रहने वाले लोगों को राशन बांटा गया। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।